देश भर सहित राजस्थान में भी धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर का जन्म दिवस। अलवर में महावीर जयंती जन्म महोत्सव समिति की ओर से सकल जैन समाज द्वारा महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने झंडारोहण किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दादावाड़ी मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने शिरकत की। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के अवसर पर जयपुर में भी जैन समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। अलवर में भी महावीर जयंती महोत्सव समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने ध्वजारोहण किया। वहीं अलवर जैन औषधालय से शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए अभय समाज के सामने स्थित दादावाड़ी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े कई तरह के बैंड ताशा पार्टी सहित भगवान महावीर से जुड़ी विभिन्न झांकियां शामिल थी। वहीं शोभा यात्रा में भगवान महावीर की प्रतिमा पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में सकल जैन समाज के लोग शामिल रहे। आज महावीर जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरा अलवर शहर में जैन समाज के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं। जैन समाज के अंदर अति उत्साह का माहौल है। 2616 महावीर जयंती महोत्सव है, जो यहाँ से भाई बंद पार होकर बजाजा बाजार घंटाघर होते होकर के वापस भगवान मंदिर दादावाड़ी पहुँचेगा। दोपहर 12:30 बजे अमेरिका से उषा बहन आई हुई है, वो इसका झंडारोहण करेंगी। मुख्य जन कल्याण बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे हमारे अतिथियों, आचार्य महाराज, साधु मंडल और हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष महिला पुरुषों ने भाग लिया। बड़ा हर्ष का विषय है। आज पूरे जुलूस में भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे। कल का कार्यक्रम इसी तरह दिन में सुबह 8 बजे से भैरव महापूजन का 108 जोड़ों के साथ राजर जी अभय समाज के रंगमंच पर, और दिन में स्कूलों के बच्चों के कार्यक्रम, शाम को वैभव बागमार या गायक कलाकार की भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। परसों अर्थात 31 तारीख को रथ जुलूस की वापसी होगी ये पाचुपुज भगवान के मंदिर से, वीरवर के मोहल्ले के मंदिर दावन पाचार मंदिर पर। भगवान महावीर की जन्म जयंती का कार्यक्रम मन रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, सभी साधर्मी बंधुओं के साथ और सभी अलवर के सभी समाजों के साथ यह उत्सव 3 दिवस तक चलता है। कल से प्रारंभ हुआ था और अभी कल सायंकाल तक कार्यक्रम चलेंगे। मैं सभी साधर्मी जैन बंधुओं को और ऐसे सभी लोग जो भगवान महावीर के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, उन सबको भगवान महावीर की जन्म जयंती की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर का अमर संदेश जी और जीने दो, यानी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हर व्यक्ति का परम धर्म है। सब जीवों के प्रति हम दया करें। केवल हिंसा किसी को मारने काटने से नहीं होती, हिंसा वचनों के द्वारा भी होती है, किसी का मन दुखाने से भी होती है। तो ऐसा प्रयास करेंगे किसी को वचन से, कर्म से, मन से, किसी भी प्रकार से हम किसी भी प्रकार का कोई कषाय करके किसी भी व्यक्ति के मन को आघात नहीं लगाए। भगवान महावीर ने जिस प्रकार से ऐसे लोगों को भी माफ किया जिन्होंने भगवान महावीर के कानों में कीले ठोक दिए, उन लोगों के प्रति भी किसी प्रकार का विषाद नहीं रखा और उनके प्रति भी कोई मन खराब नहीं रखा, उनको भी आशीर्वाद दिया। आज ऐसे समाज की कल्पना हम सब करते हैं। भगवान महावीर के जन्म जयंती कार्यक्रम की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं।